पहली गेंद लेकर चले मोंटी, सामने है कपिल और काफी बढ़िया गेंद वहां पर मोंटी द्वारा और थोड़ा सा मिस फील्ड। दूसरी मरतबा फिर से चले अंपायर को किया पार, सामने योगेश समझ नहीं पाए एक रन की प्राप्ति। अगली मरतबा फिर से अंपायर को किया पार और वहां पर कड़ा प्रहार कपिल के बल्ले से। इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मोंटी। अगली मरतबा फिर से चले, सामने है कपिल, अंपायर को किया पार। काफी बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर कपिल ने। अगली मरतबा फिर से चले मोंटी, अंपायर को क्या पार, कड़ा प्रहार करना चाहते थे पर काफी किफायती गेंद वहां पर मिलेगा मात्र एक रन। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 9 रन। योगेश सामने ये चले और वहां पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अगली मरतबा फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, वहां पर सीधे बल्ले से खेला, रन कोई नहीं। काफी तेज थ्रो फेंका वहां पर, स्टार खिलाड़ी से सजी हुई। अगली मरतबा फिर से चले, सामने योगेश, वहां पर कड़ा प्रहार कर दिया है काफी दूर और काफी ऊंचा, प्राप्त करेंगे 6 रन। अगली मरतबा फिर से चले अक्षय, सामने योगेश और यहाँ पर मिस, 4 रन की प्राप्ति वहां पर जहां पर 1 रन होना चाहिए था और वहां पर फील्डिंग में तब्दीली। अक्षय सामने योगेश, बॉल पे निगाहें जमाई हुई वहां पर और फिर से कड़ा प्रहार करना चाहते थे और वहां पर कैच था समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन। अच्छे गेंदबाज है, गेंदों को काटते हैं पहली गेंद और काफी खराब गेंद, सही नसीहत थी, मिलेंगे पूरे 6 रन। लगता है थोड़े चोटिल है इशू और योगेश काफी अच्छे बल्लेबाज। अगली गेंद फिर से खराब गेंद, लेकिन क्योंकि वहां पर अन्यथा काफी रन प्राप्त कर सकते थे। फायर को किया पार, खराब गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से खासा दूर, अंपायर का निर्णय 6 रन। काफी अच्छे गेंदबाज है, फिर से कड़ा प्रहार किया है, 1-1 चौका। अगले मैच फिर से चले, सामने है योगेश, थोड़ा जल्दी खेल के रन आउट का चांस, हल्का सा मिस फील्ड। अंतिम गेंद इशू के इस ओवर की, सामने है कपिल, काफी आक्रामक बल्लेबाज और इंतजार किया था गेंद का, लेकिन ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 44 रन और अपने कोटे का दूसरा ओवर लिख रहा है मोंटी। पहली गेंद सामने योगेश, वहां पर कड़ा प्रहार करना चाहते थे क्योंकि दूसरी मरतबा मोंटी, इस सामने है कपिल, लंबा रन अब अंपायर को क्या पार, ये गेंद और वहां पर हल्के हाथों खेला, मिलेगा 1 रन। तीसरी गेंद लेकर चले मोंटी, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार के सामने योगेश, वहां पर कड़ा प्रहार, इन्हीं 6 रनों के साथ 50 रन पूरे। अगली मरतबा फिर से चले और काफी बढ़िया शॉट वहां पर, एक रन से संतुष्ट वहां पर। अगले मतलब फिर से चले मोंटी, अंपायर को पार किया, सामने कपिल, सीधे बल्ले से शिवा वॉरियर के सलामी बल्लेबाज कपिल और योगेश अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर चले गए मोंटी। अंपायर को किया पार, ये गेंद सामने है योगेश, फुल टॉस गेंद और कड़ा प्रहार वहां पर, मिलेंगे पूरे 6 रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 60 रन। कुछ लगाना होगा अगले मैच में, फिर से चले।
कड़ा प्रहार मिलेंगे मात्र दो रन। सात ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 93। गेंदबाज कपिल कौशल का डॉट कर दो और वहां पर कड़ा प्रहार करना चाहा लेकिन बल्लेबाज कपिल चले अज्जू के लिए सामने। अज्जू ये गेंद कड़ा प्रहार करना चाहते थे और वहां पर काफी बढ़िया थ्रो सीधा स्टंप्स पे लगा। अगले मैच में फिर से चले कपिल और वहां पर दूसरे कपिल सीधे बल्ले खेला वहां पर डबल हो गया मिलेगा मात्र एक रन। सात नंबर जर्सी पहने आवश्यकता है देश को कि लंबा प्रहार करे और वहां पर कड़ा प्रहार काफी बढ़िया फील्ड अक्षु द्वारा। ये चले कपिल कपिल के लिए और कड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन क्योंकि मिलेगा मात्र एक रन। स्कोर है 97। स्कोर को 100 के पार ले जाए। अंतिम गेंद सामने ही दे और कड़ा प्रहार बात का पालन किया और लंबा प्रहार किया। इन्हीं 6 रनों के साथ स्कोर 103 रन। जीत के लिए आवश्यकता है 104 रनों की। के खिलाड़ी शुभम जहाँ कहीं आवाज़ सुन लो कृपया उनके साथी खिलाड़ियों ने बुला रहे थे क्योंकि वो उनका इंतजार कर रहे हैं और पहली गेंद खराब गेंद सही दिशा दी मिलेंगे 6 रन। आपके खिलाड़ी भाई आपका इंतजार को भी कर रहे हैं रनआउट का चांस लेकिन मिसफील्ड। और वहां पर हवा में खिलाड़ी बॉल के नीचे और वहां पर एक चांस बन
सकता था लेकिन पकड़ नहीं पाई एक जीवन दान वहाँ पर वो भी देश अपने महत्व चले सामने है सचिन फायर को किया पार बढ़िया कैच बॉबी द्वारा पहले विकेट का पतन 7 नंबर जर्सी पहने सचिन निराश देश चले अपने महत्व सामने है कपिल और कड़ा प्रहार वहां पर आते ही इसी कार्य के लिए जाने जाते हैं और ऐसे ही प्रहार अक्सर करते हैं दौड़ना शुरू किया अंपायर को किया पार सामने है कपिल फिर से कड़ा प्रहार करना चाहते थे वहां पर खिलाड़ी थोड़ा सा अंदर ओवर की समाप्ति पारी का दूसरा ओवर लिख रहा है बॉबी काफी बढ़िया गेंद वहां पर दूसरी गेंद लेकर चले बॉबी सामने कपिल हवा में गेंद पर खिलाड़ी से दूर मिलेंगे 2 रन फिर से दौड़ना शुरू किया सामने है कपिल अंपायर को किया पार दौड़ना शुरू किया अंपायर को किया पार और हवा में गेंद खिलाड़ी से दूर फिर से 2 रनों की प्राप्ति पांचवी मरतबा बॉबी सामने कपिल बड़ा प्रहार खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर प्राप्त करेंगे 6 रन अंतिम मतवा चलेंगे बॉबी सामने है कपिल देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए गेंद खिलाड़ी बॉल के काफी शानदार कैच अमन द्वारा काफी बड़ा यह विकेट कड़ा प्रहार खिलाड़ी बॉल के नीचे 4 रन बना लाए क्योंकि अब खेल प्रांगण हमारे स्कूल का भी अगले गेंद हवा में गेंद फिर से चांस और काफी बढ़िया कैच वहां पर सामने है अक्षु फायर को किया पार वहां पर आते ही कड़ा प्रहार मिलेंगे पूरे 6 रन यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी तो भली भांति इस पिच की रूपरेखा जानते हैं और प्रवेश कर सकती है तो फिर से राहुल अंपायर को किया राहुल करना चाहते सामने अक्षु फुल टॉस गेंद सही दिशा में खेल नहीं पाए ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 44 रन तो आप इस मैच को अगर कभी और देखना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहली गेंद में चैलेंज तक है वहां पर 23 गेंदे 60 रन दूसरी गेंद अज्जू की ये गेंद मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन लेने का अगली गेंद बल्ले फिर से खेला 1 रन से संतुष्ट बाबू
भी फिर से अंपायर को और काफी तेज पर और दूसरी हैट्रिक बॉबी के इस टूर्नामेंट की। एक गेंद और सामने अजय और काफी बढ़िया गेंद, अगली गेंद लेकर चले बॉबी सामने अजय। कड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन अजय का बाहरी किनारा, मात्र एक रन खर्च किया वहां पर बॉबी ने अपने इस ओवर से। स्कोर रुका हुआ 47 रन, हरा गेंदे 57 रनों की आवश्यकता, नामुमकिन जैसा जरूर। और वहां पर बल्लेबाज खुद ही खेलना चाहते हैं, अंपायर का निर्णय 4 रन हितेश। अगली बार तो फिर से अंपायर को किया पार, सामने है राहुल और कड़ा प्रहार वहां पर। गेंदबाज के सर के ऊपर से प्राप्त करेंगे 6 रन हितेश। अगली बार तो फिर से चले, काफी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, औपचारिकताएं शेष। अगली गेंद लेकर चले हितेश, अंपायर को किया पार, सामने है राहुल और वहां पर हल्के हाथों खेला, मिलेगा मात्र 1 रन। 8 गेंदे 46 रन, अगली बार तो फिर से चले हितेश और कड़ा प्रहार वहां पर अजय के बल्ले से, मिलेगा मात्र 1 रन। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मैच का लुत्फ उठाए। राहुल काफी कड़ा प्रहार, काफी दूर, मिलेंगे पूरे 6 रन। कमेंटी के सदस्य से निवेदन, कृपया बॉल को लाए। अभी भी 6 गेंदे 38 रन। पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद, यहां से मैच शिवा वॉरियर जीतती हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई शिवा वॉरियर को अपने दौर में प्रवेश करने के लिए। 4 रन, 4 गेंदे 34 रन, नामुमकिन। तो अगले दौर में प्रवेश करने के लिए शिवा वॉरियर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। काफी बड़ा यह मैच था, दोनों ही टीमें स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई थी। जी हमारी शिवा वॉरियर की। यहाँ पर कड़ा प्रहार, खिलाड़ी बॉल के नीचे और खिलाड़ी से दूर, मात्र औपचारिकताओं को पूरा करता यह छक्का। अंतिम गेंद इस ओवर की भी और मैच की भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से शिवा वॉरियर को। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है मिस्टर बॉबी